क्या कुछ कहना चाहेंगे गणपति जी का, फिल्म का मुहूर्त हो रहा है? सबसे पहले तो मैं गणेश चतुर्थी की सभी पत्रकार भाइयों को और यहाँ पे उपस्थित जो भी सारे सज्जन भाई बहन हमारे बैठे हुए हैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और यशस्वी फिल्म क्रिएशन की ये पहली फिल्म है जिसका नाम आपने देखा है पोस्टर पर षड्यंत्र लिखा हुआ है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही सशक्त है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आम जनता को बहुत ही पसंद आएगी। और इसमें हमारे फिल्म के मुख्य कलाकार जो हमारे हीरो हैं भाई रितेश जी हैं और संजय भाई का भी एक अहम किरदार है इसमें। इस फिल्म की पूरी बागडोर पूरे निर्देशन का काम हमारे छोटे भाई HS पवन जी कह रहे हैं, हिमांशु शिखर पवन जी कर रहे हैं। और इनकी पिछले दो फिल्में बहुत ही ज़बरदस्त हिट गई हैं और इसलिए हम लोगों ने इनको अपनी फिल्म में एक कैप्टन की भूमिका दी है और मुझे लगता है कि ये अपनी भूमिका के साथ न्याय करेंगे और इस फिल्म को भी ज़बरदस्त हिट के रूप में जनता के सामने लाएंगे। बस संजय भाई एक भोजपुरी सिनेमा का हम क्या कुछ सोचते हैं आप? देखिए भोजपुरी फिल्म जो है या भोजपुरी कल्चर जो है हमारी देश की मिट्टी का हिस्सा है और यूपी बिहार में बड़ी तादाद में भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी महसूस की जाती है। इसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हम लोग नहीं ले आ पाए थे लेकिन अभी हम लोगों की योजना है और तमाम लोग इसमें काम कर रहे हैं, भाई लोग हैं जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भोजपुरी बोलचाल की भाषा में भी और लिखने पढ़ने की भाषा में भी बहुत ही आगे अपना नाम करेगी और लोग भोजपुरी से जुड़ मतलब जो मिठास है भोजपुरी में वो और भाषाओं में नहीं आती है। इसलिए भोजपुरी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग इस तरह की फिल्में और बनाएं, भोजपुरी सीरियल्स बनाएं, भोजपुरी फिल्म महोत्सव कराएं। जैसे आप लोग देखते होंगे बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्म में महोत्सव होता है तो अपनी योजना है कि हम लोग बनारस में काशी में आगामी आने वाले सालों में भोजपुरी फिल्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल कराएं जिसमें तमाम आर्टिस्ट यहाँ के जो भोजपुरी फिल्म से जुड़े हुए हैं आएँ और उनको भी हम लोग विश्व के पटल पे उनका हम लोग नाम करवा रहे हैं। रितेश सर आप क्या कहना चाहेंगे? खड़यंत्र रचा जा रहा है या खड़यंत्र का तोड़ करेंगे संजय पांडे जी? हमेशा खड़यंत्र करने जाने जाते हैं फिल्मों में। सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। जहाँ पे अभी हम लोग इस फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई में तो यहाँ पे तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसी दिन इस पावन दिन को हम लोग अपनी फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं ये बहुत अच्छा लगा। और बड़े भैया संजय गुप्ता जी ने जो बोला हमारे जो माता है कि एक अच्छे फिल्म एक जो सामाजिक मुद्दा है जो भी फिल्म बनाए हैं HS पवन जी हमारे डायरेक्टर साहब, अभी प्रजातंत्र हम लोगों की रिलीज हुई थी एक सामाजिक मुद्दे को लेके हुई थी, उसके पहले इन्होंने राजा राजकुमार बनाया तो दोनों फिल्मों को बखूबी निभाया है। और जिस प्रकार से संजय भैया ने इनके ऊपर जो विश्वास जताया है कि षड्यंत्र में कुछ अच्छा कर पाएंगे हम लोग, सबसे पहली बात आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म प्योर भोजपुरी नहीं है, इसको हिंदी और भोजपुरी को मिक्सअप टाइप का हम लोग बना रहे हैं। जैसे कि जो हिंदी हम लोगों के उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है एकाजी जिनको समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइप का हिंदी जो हम लोग का लैंग्वेज है जिसका अगर हम लोग जो सोचे हैं वो कर पाए तो इस खड़यंत्र का पैन इंडिया मार्केट होगा। जो भी हिंदी भाषी लोग हैं हिंदी को समझने वाले लोग हैं हमारी इस भोजपुरी हिंदी भोजपुरी फिल्म को समझ पाएंगे देख पाएंगे। और बस आप लोग की गुड विशेष चाहिए कि हम लोग एक अच्छी फिल्म बनाए। देख रहा हूँ स्कूटी पे जा रहे हैं कैमरे साथ में, क्या जर्नलिस्ट? नहीं सर स्कूटर है। क्या आप जर्नलिस्ट की भूमिका में इस बार निभाएंगे? क्या जर्नलिस्ट की भूमिका में होंगे इस बार? जी 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 जिस प्रकार से उस पर प्रेस लिखा भी हुआ मतलब है हम लोग रोजगार छीनने वाला है। आपका एक भाई बढ़ने वाला है, आप लोगों को छीनने वाला नहीं है। तो जर्नलिस्ट की भूमिका है और जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो ये मीडिया है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो इस समाज के सुधारने में उसको एक सही दिशा में लाने में सही पथ पे लाने में मीडिया का बहुत अहम योगदान होता है, बहुत अहम रोल होता है तो उसको भी हम लोग इस फिल्म में दिखाएंगे। केंद्र ने विपक्ष वालों ने सामने मीडिया की बैंड बजा के रखी है, बहुत सारे नियम कानून लगा दिए हैं,
तो उस पर आपको कुछ कहना चाहेंगे एज ए जर्नलिस्ट अगर बनेंगे तो? कैसे नियम कानून? बहुत सारे नियम कानून है, बगैर जानकारी के आप लोग किसी के बारे में कोई जैसे चुनाव आ रहा है तो उसके बारे में नहीं छाप सकते हैं, कोई भी किसी बारे में क्वेश्चन करता था। देखिए मीडिया तो स्वतंत्र है, हमारे देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र है, जैसे चुनाव आयोग हो गया, मीडिया हो गया, ये सब स्वतंत्र है और इन पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। भाई मीडिया को प्रशंसा का प्रशंसा करती है मीडिया, तो मीडिया को आलोचना का भी अधिकार है, तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कि मीडिया पे कोई प्रतिबंध लगाना उचित है या लगेगा। अमन जी बताइए कि किसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? प्रजातंत्र के बाद खड़यंत्र, क्या उसका सिक्वल है या कुछ अलग आपके साथ षड्यंत्र हो गया जो आप फिल्मों में डालना चाह रहे हैं? सबसे पहले गणेश चतुर्थी के तमाम भाइयों को नमस्कार, जो भी ये मीडिया के माध्यम से हमको देख रहे हैं या जान रहे हैं। रही बात इसके पहले मैंने प्रजातंत्र फिल्म बनाई थी, वो भी कॉन्टेंटल फिल्म थी, हम कंडीशन को लेके फिल्म नहीं बनाते कि हमको पैसा ज़्यादा कमाना है या कमर्शियल पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करते, हम समाज की कुरीतियों को लेके दिखाते हैं जो हमारे यूपी बिहार या पूरे इंडिया में जिस चीज़ को हम लोग स्वीकार करते हैं लेकिन उसको मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित नहीं करते, उसको मेरा है कि मैं करूं, उसको दिखाऊं। ये फिल्म एक फ्रेश रिपोर्टर की ही है, पत्रकारिता इसमें का अहम हिस्सा है और ये फिल्म के मुख्य किरदार गिरीदेश बाबू एज ए प्रेस रिपोर्टर ही हैं और वो कुरीतियों को इससे कैसे निकाल के बाहर दिखाते हैं, इनको कितनी यतनाएं और कितना ये सब कुछ सहन करके और ये समाज से लड़के, प्रशासन से, भ्रष्ट तंत्र से लड़के उजागर करके और मीडिया के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, ये किरदार इनका रितेश पांडे जी का है। तो रितेश बाबू षड्यंत्र रच रहे हैं, इसके अंदर के षड्यंत्र को सोड़ने का काम कर रहा है हीरो, रचने वाले तो इधर है। जी भैया क्या प्लानिंग किया संजय भैया आपने षड्यंत्र रचने के लिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं और ये बहुत शुभ दिन में मुहूर्त हुआ फिल्म का और सबसे खास बात ये कि हम और रितेश बाबू दोनों इनकी पिछली दो फिल्मों में रहे और आज के दौर में जहाँ फिल्में 70 mm से 52 इंची में आ रही हैं, इस शख्स की इनकी एक बहुत बड़ी खासियत जो मैं आपको इसके कहना चाहूँगा कि इनकी फिल्में गारंटेड पर्दे पे जाती हैं। हम जो फिल्में करते हैं उसमें हमें पता नहीं होता कि ये 70 mm में जाएगी या 52 इंची में ही सिमट जाएगी, क्योंकि हार के एक बार बड़े से बड़े प्रोड्यूसर अपना प्रीमियर कर देते हैं टीवी पे। ये अपनी फिल्मों को प्रॉपर रिलीज करते हैं और हम बड़े पर्दे में देख पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत पवन जी की है जो आजकल 90% देखने को नहीं मिली, जिससे कलाकार बहुत ज़्यादा हताश होता है जी। कि काम तो हमने पर्दे के लिए किया था, आपने हमको टीवी में सिमट दिया, तो हम सीरियल ना कर लेते फिर, मैं तो कर ही रहा था सीरियल। ये बहुत खुशी की बात है, पवन जी की सबसे बड़ी खासियत और हम दोनों फिल्में बहुत ह्यूज लेवल की बनी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब संजय जी जुड़े हैं और एक सेंसिबल इंसान जो सिनेमा को समझते हैं, जो भोजपुरी को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म उससे और ऊपर का मारता होगा, कैनवास और बढ़ेगा पवन जी का और फिल्म का भोजपुरी का, क्योंकि जब तक सोच बड़ी नहीं होगी काम बड़ा नहीं होगा। अभी कह रहे थे संजय भैया कि मैं जब पोस्टर बनवाने नरसिंह जी के पास गया था, उन्होंने कहा कि प्रेस को लेके भोजपुरी में कोई फिल्में नहीं बनी और आप इसके लिए फोटोशूट करवाइए। हाँ। तो फिर मैं इन रितेश बाबू का डबिंग चल रहा था फिल्म का, मैंने गया 9 बजे रात को और मैंने ये बात कही कि भाई फोटो खिंचवाना जरूरी, चूंकि इनका तो लाखों फोटो है। हाँ, फोटो तो बहुत सारे ऐसा फोटो कॉपी पेस्ट कर देंगे कहीं का उठा के, इसका ये राजा राजकुमार का ही डाल देंगे। रही बात नरसु भाई का नाम लिए, नरसु भाई भी हाजिर हो गए हैं, पूछिए सामने आइए नरसु भाई बैठिए। एक और चीज संजय भाई आपसे साझा करना चाहूंगा कि प्रजातंत्र का जो रिजल्ट है 2-2 सप्ताह यूपी में चली है और मुंबई में सारे या खंडवा से कहां ये आपका कलेजा है कि आज के दौर में आप पर्दे पे ला दे आदर्श नगर से लेकर सब जगह फिल्म कहता हूं 90% फिल्में पर्दे तक पहुंच ही नहीं पा रही है। हम उस दो ये षड्यंत्र भी है कि रितेश बाबू क्या बोलेंगे संजय जी? बिल्कुल संजय भैया, ये बताइए कि एक्ट्रेस नहीं है क्या फिल्म में?
एक्ट्रेस की तलाश जारी है। का मन कैसे लगेगा षड्यंत्र को खत्म करने का? वही तो षड्यंत्र के तहत मैंने गायब कर दिया, ड्यूटी से लेके मुहूर्त तक आने नहीं दिया हीरोइन को, वही षड्यंत्र है। स्कूटर पे थी वो पीछे और मैं अपनी कार उठा के ले गया। चाहूंगा हमारे जो प्रोड्यूसर है यशस्वी फिल्म के, जो निर्माता मैंने जो भी है, सब सर्वे सर्वा ये भैया है, इनका अपना डेन काशी वगैरह सब कुछ चल रहा है और लाइव कम से कम बहुत शो कराए हैं जिसमें कैलाश खेर से लेकर सब कोई सामने देखे बात करिए। तो ये जो है भैया का, जो हमारे भैया निर्माता हैं जिनका नाम संजय गुप्ता है। फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से 94 से जुड़ा हूँ और बनारस में जो सबसे पहला जो वहाँ का लोकल टीवी चैनल था सी टी वी के नाम से, वो मैंने शुरू किया था 94 में। आज भी मेरा सिटी केबल और डेन का बनारस और पूर्वांचल का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास और वहाँ लोकल न्यूज़ वगैरह सारी, मतलब मीडिया से हम लोग रिलेटेड रहे हैं। रियल एस्टेट में भी मैं हूँ तो कई शोज़, कई इस तरह के छोटे छोटे वेंचर्स हम लोगों ने किए हैं, फिल्म और उससे जुड़े हुए कई म्यूज़िक एल्बम किए हैं और अभी पवन जी के ऊपर एक ट्रस्ट बना तो ये एक फिल्म का प्लान था और इसकी कहानी भी मैंने लिखी हुई है और कहानी मुझे लगता है कि अभी रिवील करना बहुत उचित नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत नहीं, बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो उस तहत ये जब पर्दे पे आएगी तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत आनंद आएगा और एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ये कहानी और निश्चित रूप से सारे दर्शक इसको बहुत एंजॉय करेंगे। नितेश भैया, आपने हर तरह के किरदार निभाए, हर तरह के रोल आपने निभाए हैं, अब स्पेशली आपको एक मीडिया, एक पत्रकार की भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है। कई बार आलोचनाएं होती हैं, कई बार सराहनीय भी होती है, तो बहुत ही तिगड़म वाली जिंदगी है, इसके लिए अब किस तरीके से, क्या आप किसी पत्रकार से बात करेंगे, एक्सपीरियंस कैसे आएगा, क्योंकि रियलिटी तो पर्दे पर आपको, या कितना जानते हैं मीडिया के बारे में? हमें देखे होंगे कि दिन में कम से कम 24 घंटे में 2 घंटा तो हमारा जाता ही है न्यूज़ देखते देखते। तो पत्रकारों को देख के ही, और बहुत सारे ऐसे जैसे श्वेता सिंह जी हैं आज तक के रिपोर्टर, हमारे बड़े भाई इंडिया टुडे के संपादक हैं सौरभ द्विवेदी जी, जो जिनका लल्लन टॉप चलता है, तो मैं बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूँ इन लोगों से, तो पत्रकारों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। और अब जब से ये मिला है हमें किरदार पर एक पत्रकार का, तो उसके बाद से और अध्ययन जारी है। तो फिर शुरू हो जाए आपका एक संजय राग से क्वेश्चन या राम भाई, तो कोई क्वेश्चन नहीं, पत्रकारिता में जो है कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, तो इस संयंत्र में जो है किस तरह से कठिनाइयों का सामना करेंगे भाई मेरे? ये आपको फिल्म में पता चलेगा, ये फिल्म में पता चलेगा। देखिए फिल्में होती हैं समाज का आईना, तो जो समाज में चल रहा है उसी को हम लोग दिखाएंगे, जिस हिसाब से एक पत्रकार कैसे किसी चीज़ का, किसी स्कैम का भंडाफोड़ करता है, क्योंकि देखिए मीडिया का काम यही है ना कि सच्चाई को पब्लिक के सामने लेके आए, तो मूलतः यही काम होगा और उसमें एक अच्छी सी लव स्टोरी चलेगी, उस लव स्टोरी को मैं, वो हीरो है, लव स्टोरी ना भूले। बनारस और उसके आसपास के जिलों में होगी, मेन शूटिंग यहीं पे होगी। फिल्म की लगभग 70-80% शूटिंग है यूपी में है और वो भी बनारस बेस्ड करके, मिर्जापुर वगैरह लेकिन संभव होगा। कोई एक यादगार आपकी लाइफ में, आपने कोई यादगार, कोई कुछ ऐसा देखा हो जिसमें मीडिया की अहम भूमिका हो? जैसे मेरी लाइफ में मैंने 26/11 आतंकी हमला देखा है, मैंने 26 जुलाई के जो भी पानी आया था, हम बह गए थे, उसमें मैंने रिपोर्टिंग करी है, और बहुत सारे ऐसे हैं, तो आपकी कोई याद जिसमें मीडिया के लिए आपके लिए वाह निकला हो, क्या बात है, क्या काम कराओ, कुछ याद करना चाहेंगे प्लीज? मैं छोटा था तो एक पत्रकार है शायद दीपक चौरसिया हैं अभी भी, तो कोई वॉर चल रहा था या फिर कोई आतंकी हमला था और वो कैमरा लेके उधर चले गए थे एकदम मेन लैंड में जहाँ वॉर हो रहा था, तो मुझे लगा कि अरे मतलब मीडिया यहाँ तक करती है, वो
एक गन से शूटिंग होता है, कैमरे से शूटिंग होता है, और वैसे जगह पे दोनों बराबर जोखिम का काम है। ग्राउंड जीरो पे जाके, ग्राउंड जीरो पे जाके आप कैमरे से भी शूट रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो समझिए कि आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सारे पत्रकार साथी हैं जो इस तरह के जोखिम उठा करके ये काम करते हैं। बिल्कुल, तो उस तरह से कुछ चीज़ें हम लोगों ने ली हैं फिल्मों में, जो आज की पत्रकारिता, मतलब अब तो बहुत सारी भिन्न पत्रकारिता है इस समय, अलग अलग तरह के चैनल हैं, कई जगह कंप्रोमाइज़ भी होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा करेक्टर है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। समाज के दुश्मनों के खिलाफ वो मुस्तैदी से खड़ा होता है और उनका भंडा फोड़ करता है, उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। बहुत सही कहा संजय सर, और भगवान करे ऐसे पत्रकार सबको मिलेंगे हीरो, बड़े हमारे हीरो के रूप में। हीरो की टैगलाइन भी है कि सच को उजागर करना सिर्फ मेरा शौक नहीं, मेरी फितरत भी है। भैया ये लाइन थोड़ी सी अब आपके मुंह से आज हो ही जाए फिर तो मजा आ जाएगा। मतलब सच को उजागर करना मेरा शौक नहीं, मेरी फितरत। सच को उजागर करना मेरा शौक ही नहीं, मेरी फितरत और मेरा धर्म भी। संजय सर आप बताएं कि पत्रकारों की अब फिल्म में आप एज ए विलन जा रहे हैं, तो हर बार तो आपकी लड़ाई कई अन्य, इस बार बहुत ही शक्तिशाली होता है पत्रकार अपने आप में। कोई एक्सपीरियंस अगर आपका हो, क्योंकि आप भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, कविताएं कहते हैं। नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस पत्रकारिता का, पत्रकारों का कभी नहीं रहा, और सभी पत्रकार बड़े मित्र रहे हैं मेरे, हैं भी। और तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी टफ होगा कि पत्रकारों के खिलाफ जाना फिल्मों में, तो खैर हमें करना पड़ेगा, हमारी विवशता है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे होते ना कि अगर मैं एक्टर ना होता तो पत्रकार होता, अगर कोई मुझसे पूछे कि आप एक्टिंग ना करते तो क्या करते, तो मैं पत्रकारिता ही करता। मुझे समीक्षा का बड़ा शौक है, शुरू से रहा है, कि मैं जनसत्ता अखबार पढ़ता था, पापा मैं छोटा था तो हमारे घर में जनसत्ता आता था, तो उसमें समीक्षा आती थी फिल्मों की, तो मुझे लगता बहुत बड़ी समीक्षा लिखते थे वो लोग, बड़ी बड़ी फिल्मों की समीक्षाएँ, और बड़ा बैलेंस करके लिखते थे। अभी जो समीक्षाएँ बड़ी प्रो हो जाती हैं कि या तो फेवर में होंगी या खिलाफ में होंगी, मतलब बैलेंस के, हाँ जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत कहें, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो मेरे लिए, हालांकि मैं पत्रकार नहीं हूँ, पत्रकार तो रितेश बाबू है, काम तो मेरे को वही सौंपा गया जो हर फिल्म में करता है। सर पहला इंटरव्यू आपका कैसा था जब आपने दिया था एज ए सेलिब्रिटी, उस वक्त की कुछ याद? पहला इंटरव्यू मेरा पत्रकार के साथ फिल्म, पहली फिल्म के समय लिया गया था, और उस वक्त जैसे हमको रियल कैमरे के, हमारे फिल्मी कैमरे के सामने हाथ पैर कांपते हैं, वैसे उस समय भी कांप रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, और बड़ा एक भय था पत्रकारों से कि पता नहीं क्या सवाल पूछ बैठे, कब क्या वो कर बैठे। लेकिन भोजपुरी में थोड़ी एक ये है कि सारे पत्रकार मित्र बड़े करीबी हैं, इसलिए ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं करते, थोड़ा वो भी बचाते हैं, थोड़ा हम भी बचते हैं, करीबी बना हम करीबी बना के रखते हैं। कहीं भी पत्रकार में रिक्स होता है, कहीं ना कहीं अगर सच्चाई दिखाने का काम करो, कहीं राजनेताओं की तरफ से एक दबाव होता है, तो इसमें किस तरह से दबाव आता है, दबाव को छुपा मतलब रख कर जो है सच्चाई किस तरह से दिखाते हैं? देखो भैया जी, दब जाए पत्रकार हो भी ना करे, पत्रकार दबने वाला थोड़ी होता है, पत्रकार तो एक बागी होता है, जो हम लोग शुरू से ही देखते आते हैं कि जो पत्रकारों की छवि होती है वो बागी की होती है, उसको कुछ मतलब नहीं है कि आप कौन, जहाँ कार जुड़ा है वो बागी ही है। बिल्कुल, चाहे वो कलाकार हो या पत्रकार हो, वो बागी ही होता है। बिल्कुल, हम लोग और बहुत आपको बधाई कि भाई आप लोग भी हमारे, आप स्पेशली आप जो हैं आ गए अब हमारी टीम में, क्योंकि हम में तो हमेशा यही कहते हैं जो था बेकार वही बन पाया पत्रकार, कलाकारों को लेकर भी कहा जाता है। पत्रकार बनना अपने आप में कुछ ना करने की बात होती है जी, और हर आदमी में इतनी जिजीविषा, इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो पत्रकार बन सके, उसके लिए बड़े त्याग और समर्पण की जरूरत पड़ती है, जो आप लोग करते हैं। गीत संगीत की बात करेंगे तो किस तरह के गाने हैं, कौन बना रहे हैं गाने, जरूर बताएं। गाने, गानों पर भी विचार चल रहा है, और हमारे बड़े भैया आए हैं गाने के लिए, संतोष जी अभी हैं, संतोष पुरी और अजय वर्मा जी हैं, और एक दो गाना और इधर मैं देख रहा हूँ जो अच्छा। अभी हम लोग गाने पर डिस्कशन कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। अभी तक कौन कौन से कलाकार फाइनल जो के नाम रहे? अभी तक हमारे भाई रितेश पांडे जी हैं,
और संजय भैया पांडे पांडे जी दो पांडे की फाइनल खेले हो जी मिश्रा जी दो पांडे को फाइनल किया अयाज खान जी भी हैं देव सिंह भी हैं विनीत विशाल भी हैं सब लोग हैं अभी केवल हीरोइन को हम लोग ये कर रहे हैं हीरोइन पूरा फाइनल होगा हम लोग आपको बताएंगे पर एक हीरो को छोड़ के बाकी खल बल तैयार हो गया पूरा तैयार हो चुका है। संजय सर आपका एक पत्रकार से ही जुड़ी सवाल है आपसे कहीं ना कहीं एक आपकी मूवी आई थी राजा बाबू करके उसमें आप जो है जब राजा बाबू जो थे निरोवा जी जब भी करोड़पति का गेम खेलने जाते थे आपने कुछ डायलॉग बोले थे रुतबा गैल बा मियान ना तो उसमें जब उन जीत कर आते हैं मीडिया जब भी उनको कवरेज के लिए जाती है नहीं मिलता है तो आपका एक डायलॉग था वो क्या शेयर करना चाहेंगे उस वक्त नहीं जब वो जा रहे होते तब एक ताना मारता हूँ जो बड़ा हिट हुआ था कि अपने आप के रोहित शर्मा भी जता रहे जब उन्हें एक दिन में 265 रन मार देंगे।